अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टे टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केव अपार्टमेंट, स्पेशली सेक्टरे, जो कि बहरी इनक्लेव का बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मार्केट सिचुएशन कैसी है, सेल प्राइस क्या है, रेंट प्राइस क्या है, और इसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस अभी इंक्रीज़ हुए हैं वो कितने इंक्रीज़ हुए हैं, और क्या चीज़ें फॉर सेल अवेलेबल हैं और मार्केट में कस्टमर है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट सिचुएशन के हवाले से, तो मार्केट डेफिनेटली आप लोग जानते हैं ओवरऑल मार्केट स्लो चल रही है, लेकिन किब अपार्टमेंट में ये है कि समटाइम डिमांड आ जाती है, कोई ना कोई कस्टमर रेंट के हवाले से, सेल के हवाले से यहाँ पर आता रहता है, और रेंटल वैल्यू काफ़ी बेहतर हो रही है और सेल कोई ज़्यादा नहीं है। उसकी रीज़न ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी जो रीज़न है पार्किंग चार्जेस हैं, जो कि 10 लाख आउटसाइड और 15 लाख इनसाइड हैं, तो उसकी वजह से जो कस्टमर है वो मार्केट में थोड़ा कम है। तो इसके मुकाबले में जो आगे फिर ऑप्शन हैं लाइक गैलरी अपार्टमेंट है, तो फिर लोग वहाँ मूव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आपको जो टू बेड है वो क्यूब अपार्टमेंट के मुकाबले में यहाँ पे आपको वन बेड मिलता है, तो वहाँ पे टू बेड मिल जाता है, और थोड़े से पैसे और ऐड करें तो जो गोल्ड कैटेगरी है थ्री बेड की वो आपको मिल जाती है। तो इसलिए क्यूब अपार्टमेंट में जो पार्किंग चार्जेस लगे थे उसकी वजह से जो इसकी सेल है वो स्लो हुई है, लेकिन रेंट के हवाले से मार्केट कुछ बेहतर है और रेंट की पार्टीज मार्केट में आती रहती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सेल प्राइस की, तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिलता है यहाँ पे 70 लाख प्लस माइनस में, डिपेंड करता है ऑडियोज़ क्लियर है नहीं है, तो अगर कार पार्किंग नॉट पेड के साथ होगा तो 60 लाख में नॉर्मल चीज़ आपको मिल जाती है, और इसके अलावा जो वन बेड है उसका रेट तकरीबन 1 करोड़ 15-20 प्लस माइनस आपको कॉस्ट करता है ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ। अगर कार पार्किंग नॉट पेड होगी तो फिर कम से कम आपको ये 1 करोड़ प्लस में मिलेगा, 1 करोड़ माइनस में चीज़ें ना होने के बराबर हैं। और इस तरह से अगर हम बात करें टू बेड की, तो टू बेड का भी रेट तकरीबन आपको हाई मिलता है यहाँ पे 1 करोड़ 45-50, 1 करोड़ 60 भी लोग डिमांड करते हैं कार पार्किंग पेड के साथ। अगर कार पार्किंग नॉट पेड है तो फिर आपको 31-35 तक नॉर्मल चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन काफ़ी रेयर हैं, ज़्यादा सस्ती चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसके अलावा जो थ्री बेड है इसकी डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन नॉर्मली मार्केट में ऑप्शंस भी नहीं है और मार्केट में डिमांड भी इसकी नहीं आती, बहुत रेयर कस्टमर आपको थ्री बेड का मिलेगा मार्केट में, और इसकी रीज़न ये है कि इसके मुकाबले में आपको गैलरिया के अंदर थ्री बेड लग्जरी अपार्टमेंट 2500 स्क्वायर फीट समथिंग वो मिल जाता है तकरीबन 2 करोड़ प्लस में, तो इसलिए लोग उस साइड पे मूव कर जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रेंटल वैल्यू की, तो यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट इस टाइम पे तकरीबन 30,000 प्लस माइनस में है, कार पार्किंग पेड के साथ 30,000 प्लस में आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है पर मंथ के हिसाब से, और इस तरह से जो वन बेड है इसका रेंट 40,000 प्लस माइनस पर मंथ, अगर कार पार्किंग पेड होगी तो नॉर्मल आपको 40 प्लस में चीज़ें मिलेंगी। इस तरह से जो टू बेड है, टू बेड का जो रेंट है वो तकरीबन 50,000 प्लस में नॉर्मल चल रहा है, लेकिन इससे नीचे तकरीबन चीज़ ना होने के बराबर है, इससे नीचे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, नॉर्मली 55 तक अभी चीज़ें लग रही हैं, और मुझे लगता है कि रेंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि रेंट की यहाँ पे डिमांड है, वैल्यू है और कस्टमर रेंट के हवाले से यहाँ पे आते हैं, तो इस वजह से जो अवेलेबिलिटी है अपार्टमेंट्स की वो कम होती जा रही है और रेंट के हवाले से चीज़ें आपको कम मिलती हैं। इस तरह से जो थ्री बेड है, एक ही अपार्टमेंट रेंट आउट हुआ है थ्री बेड का 70,000 में, और थ्री बेड की ऑप्शन भी कम मिलते हैं आपको, सेल के हवाले से हों या रेंट के हवाले से हों, तो काफ़ी कम अवेलेबिलिटी आती है थ्री बेड अपार्टमेंट की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हॉट अपार्टमेंट है इस टाइम पे वो वन बेड है, इसका रेंट भी ज़्यादा है और इसकी जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा है मार्केट में, और इसके बाद फिर टू बेड है, फिर स्टूडियो और लास्ट में थ्री बेड। तो जो भी चीज़
तो जो भी अपार्टमेंट की अच्छी पार्टी आपको मिल जाए उसको ज़रूर कंसीडर करें और अपने अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करें। खाली रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस भी इंक्रीज़ कर गए हैं और चीज़ें यूज़ नहीं होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़राब होना भी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस चार्जेस की जो कि इंक्रीज़ हुए हैं, तकरीबन 30% इंक्रीज़ आया है मेंटेनेंस चार्जेस में। और अगर हम बात करें ड्यूज़ की तो स्टूडियो अपार्टमेंट तकरीबन 4600 प्लस मेंटेनेंस चार्जेस हैं। इस तरह से जो वन बेड है इसका 7100 प्लस, और जो टू बेड और थ्री बेड है इसके चार्जेस 10,000 से थोड़ा ऊपर हैं, जो कि अभी इंक्रीज़ हुआ है और इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पेक्ट ज़रूर आता है जो टेनेंट होते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें पे करने में थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। क्योंकि जो इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं उनमें नॉर्मली जॉब होल्डर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और कोई बड़ी फैमिलीज इन अपार्टमेंट्स में कम ही आती हैं क्योंकि वो फिर घर ले लेते हैं। तो इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो क्यूब अपार्टमेंट के वो 30% इंक्रीज़ करके हैं। इसके अलावा जल्दी में अगर मैं आपको ट्रांसफ़र फ़ीस का बता दूँ तो ट्रांसफ़र फ़ीस जो स्टूडियो अपार्टमेंट है 12/3/2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक स्टूडियो 1,47,750 है और वन बेड 2,01,150 और टू बेड 2,68,650 और थ्री बेड 3,53,070 रुपीज़। ये ट्रांसफ़र फ़ीस है क्यूब अपार्टमेंट की, और बाकी जो इसकी टैक्स के हवाले से वैल्यूएशन थी वो सेम टू सेम वैसे ही है, उसमें अभी तक चेंज नहीं आया। और जो नए टैक्सेस हैं वो अप्लाई हो चुके हैं और टैक्सेस के हवाले से हम एक डिफरेंट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें फॉर सेल हैं, जैसे वन बेड का अपार्टमेंट फॉर सेल है फर्स्ट फ्लोर में आउटर फेस जिस साइड पे स्ट्रीट 15A है, वहाँ पे आपको इसका फेस मिलता है, ऑलमोस्ट सन फेस है। 1 करोड़ इसकी प्राइस है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं, CA और कार पार्किंग नॉट पेड के साथ। ये बेस्ट ऑप्शन है रेंटल वैल्यू के हवाले से, अगर आप कार पार्किंग पेड कर लेते हैं तो ये कम से कम 40 प्लस में आपका रेंट आउट हो सकता है। इस तरह से स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर रेंट अवेलेबल है 6 फ्लोर में मरी फेस, बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, ये साथ उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये अवेलेबल है इनसाइड कार पार्किंग के साथ 35,000 फाइनल में, डिसेंट फैमिली रिक्वायर्ड है, नॉर्मली सिंगल या कपल या कोई स्टूडेंट हो या कोई जॉब होल्डर हो तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर सेल है 7th फ्लोर पे 60 लाख में, कार पार्किंग नॉट पेड के साथ, ये भी बेस्ट ऑप्शन है रेंटल वैल्यू के हवाले से। तो अपार्टमेंट के हवाले से अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके सामने आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।